हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे फूल के बारे में जो ठंडी के मौसम में उगाया जाता है और जिसे हम तीनों सीजन में लगा सकते हैं। उसका नाम है एस्टर। क्या आप जानते हैं एस्टर का नाम ग्रीक वर्ड एस्टर से ही पढ़ा, जिसका मतलब स्टार होता है। मतलब ये है कि स्टार जैसे आकार का फूल। एस्टर की कुछ जातियों के फूल माइग्रेन, सर्दी खांसी, मांसपेशियों में ऐंठन के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये और ऐसी ही जानकारी मैं लाऊंगी आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एस्टर का कॉमन नेम एस्टर ही है। इसकी कई जाति व प्रजातियाँ हैं, उसके हिसाब से उनका बॉटनिकल नेम है। जैसे चाइना एस्टर का बॉटनिकल नेम कैलिस्टेफस चाइनेसिस है और हिमालयन एस्टर का बॉटनिकल नेम एस्टर हिमालयसिस है। लेकिन ये सारे एक ही फैमिली से संबंधित है और वो है सनफ्लावर, यानी कि एस्टरेसी फैमिली। और जहाँ चाइना एस्टर का नेटिव है, वहीं हिमालयन एस्टर नेटिव है ईस्टर्न हिमालयस, नेपाल, सिक्किम और साउथ वेस्ट चाइना का। यह पौधा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण यूरोप के जंगलों में अधिक पाया जाता है। ये खास ठंडी के मौसम का फूल है। ये सीजनल फ्लावर, जिसमें हमें कई रंगों के फूल देखने को मिलते हैं, जैसे सफेद, गुलाबी, लाल, नीले, पीले और जामुनी रंगों में। ये कई रंगों और आकारों की एक विस्तृत विविधता में खिलते हैं। एस्टर को सारे देश में, छोटे मोटे शहरों में, कहीं पर भी लगा सकते हैं। एस्टर के फूल सजावट के लिए और फूलों के हार बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसका कट फ्लावर के रूप में भी इस्तेमाल होता है। एस्टर को हम बॉर्डर्स और पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। इसे आसानी से विकसित किया जा सकता है। एस्टर एक बारहमासी यानी कि पेरिनियल पौधा है। कई जातियां एनुअल और बाइनियल भी है। एस्टर की लगभग 180 के आसपास जातियां हैं। एस्टर को बीज से भी उगाया जाता है और इन्हें कटिंग से भी उगाया जा सकता है। बीज लगाने के 7 से 8 दिन में इनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। बीज को जर्मिनेट होने के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। अगर बाहर ज़्यादा ठंड है तो आप इंडोर्स भी ग्रो कर सकते हैं। ठंडी के मौसम में एस्टर की अच्छे से ग्रोथ होती है। आप इसे सितंबर से अक्टूबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे फरवरी से मार्च के महीने में ग्रो कर सकते हैं या फिर जून जुलाई के महीने में। एस्टर को बीज से फ्लावरिंग तक का समय 10 से 12 हफ्तों का होता है। एस्टर का वर्गीकरण हम उसके विकास के पैटर्न, फूलों के आकार, पंखुड़ियों की संख्या से निर्धारित होता है। लंबी किस्म 70 से 90 सेंटीमीटर होती है और इनकी वैरायटीज है अमेरिकन ब्रांचिंग, बकेट पाउडर पफ, जॉइंट ऑफ कैलिफोर्निया, पाइयोनी, टोटेम पोल तथा इनके फूल बड़े खिलते हैं। दूसरी वैरायटी है मध्यम ऊंचाई की, जो कि 40 से 60 सेंटीमीटर ऊंची होती है। फूल इनके मध्यम आकार के होते हैं। इनकी किस्में हैं जॉइंट कमेट, जॉइंट ग्रीगो, क्योटो पोमपोम, ऑस्ट्रिच प्लम और यूनिकॉर्न। और इनकी ड्वार्फ वैरायटी होती है, जो कि 20 से 40 सेंटीमीटर की होती है। ये बॉनी किस्म होती है। फूल मध्यम से छोटे आकार के विभिन्न रंगों में खिलते हैं। इसकी किस्में हैं कलर कारपेट, कोमेट मेलडी, पिनोचियो और एस्ट्रिस। भारत में भी कुछ किस्में विकसित की गई हैं, जैसे पूर्णिमा, वॉयलेट कुसन, कामिनी, फूल गणेश वॉयलेट, फूल गणेश पिंक और फूल गणेश पर्पल। एस्टर को भरपूर सूर्य प्रकाश की ज़रूरत होती है। पेरिनियल एस्टर को अच्छी जल निकासी यानी कि वेलड्रेन मिट्टी पसंद है।
एस्टर को हल्की एसिडिक मिट्टी पसंद है जिसका पीएच रेंज 5.8 से 6.5 तक हो। अगर मिट्टी अल्कलाइन हो तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट या पत्तियों की खाद मिलाकर उसका पीएच कम कर सकते हैं। मिट्टी में हमेशा हल्की नमी बनी होनी चाहिए और आप इसे हफ्ते में एक या दो बार पानी दें। एस्टर के फूल 1 से 1.5 इंच के होते हैं। एस्टर के फूलों के रंग ब्राइट होने की वजह से तितलियों और मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फूलों में पीला सेंटर होता है और पंखुड़ियां अन्य रंगों में होती है जैसे जामुनी, लाल, सफ़ेद, गुलाबी, नीला या लवेंडर। पत्ते इनके गहरे रंग के होते हैं। फूल की पंखुड़ियां की तरह लंबी, पतली और नुकीली होती हैं। एस्टर को लगाते वक्त ये बातों का ज़रूर ध्यान रखें। एस्टर को लगाते वक्त जगह का चुनाव इस तरह से हो कि फूल से पार्शियल सन आना चाहिए। मिट्टी मॉइस्ट ही रखें और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। बीज लगाने से पहले मिट्टी में कंपोस्ट जरूर मिला लें। एस्टर को 1 या 2 बार पिंचिंग जरूर करें ताकि पौधा बुशी हो और ज़्यादा फूल आए। अगर फूलों को पौधे पर पूरी तरह से मैच्योर होने दिया जाए तो वे अपने आप को रीसीड कर देते हैं। तो एस्टर्स के इन फूलों को अपने बगीचे में ज़रूर उगाएं और मुझे दीजिए इजाज़त। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट्स करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।